Dear student, welcome to our today's class of Divine Public School. Student, yesterday video में हमने division of fractional number means fractional number यदि हमें given है तो उसे divide कैसे किया जाता है, एक fractional number और दूसरा whole number, और उसे whole number से हम कैसे divide करेंगे and fractional number को fractional number से कैसे divide करेंगे. Okay, इस पर discussion किया था and questions भी solve किए थे. और इसमें हमने एक reciprocal को फाइंड करके और डिवीजन को सॉल्व किया था. क्लियर दैट? टुडेज अवर टॉपिक इज प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन ऑफ फ्रैक्शनल नंबर. यहाँ आज भी हम डिवीजन ही करेंगे बट उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाता है ये हम आज सीखेंगे. ओके, सो प्रॉब्लम्स गिवन है हमें बाय व्हाट नंबर 4 वन बाय 4 बी मल्टीप्लाइड टू गेट 8 वन बाय 2. स्टूडेंट हमें क्वेश्चन को केयरफुली रीड करके उसका मीन समझना है कि क्वेश्चन में एक्चुअली हमें पूछा क्या गया है. उसके बाद हमें डिसाइड करना है कि इसमें कौन सा ऑपरेशन लगाया जाएगा. ओके, सो क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें ऐसा नंबर फाइंड करना है जो इससे मल्टीप्लाई करने पर आंसर में हमें 8 1/2 फाइंड हो. मीन्स इसे मैथमेटिकली में कैसे शो करेंगे. देखिए, ऐसा नंबर हमें फाइंड करना है जिसका मल्टीप्लाई इससे करने पर हमें आंसर में 8 1/2 फाइंड हो. ओके, सो स्टूडेंट यहाँ पर हमें कहा नहीं गया है कि आप डिवीजन कीजिए. यह हमें सर मीन्स ध्यान रख के क्वेश्चन को रीड करके फिर अंडरस्टैंड होना होगा कि हमें यहाँ पर कौन सा ऑपरेशन लगाना है. ओके, सो स्टूडेंट देखिए, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है. सो सबसे पहले हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम एक छोटे नंबर मीन्स नेचुरल नंबर के ऊपर एग्जांपल देख लेते हैं. यदि हमें ऐसा नंबर फाइंड करना है, जैसे कि हमें एक नंबर फाइंड करना है जिसमें मल्टीप्लाई करने पर आंसर में हमें 8 फाइंड हो. ओके, सो कैसे करेंगे. लेट हमने जो सपोज माना कि हमने यहाँ पर इस नंबर को x, देन मल्टीप्लाई बाय 4 एंड 8. ये नंबर ऐसा है जिसका 4 से मल्टीप्लाई करने पर हमें 8 फाइंड करना है. सो हमें नहीं पता है कि यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा. सो इसे सॉल्व करने के लिए देखिए 8 डिवाइडेड बाय 4 कैसे किया हमने. ये जो 4 मल्टीप्लाई में था इक्वल टू के राइट हैंड साइड में डिवाइडेशन में हो जाता है. मीन्स जब भी हमें इस तरह के स्टेटमेंट्स गिवन हो सो हमें क्या करना है, डिवाइडेशन करना है. ओके, ये स्टेटमेंट को इस तरह से हम कंप्लीट करते हैं. हमें ये नंबर फाइंड करना था कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमें आंसर में 8 हो फाइंड हो जाए. सो एक्स इज इक्वल टू 8/4. ओके, अब इसे हम डिवाइड करेंगे. 4 1 4 एंड 4 2 8. सो एक्स इज इक्वल टू 2. अब 2 एक ऐसा नंबर है जब 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे सो हमें क्या फाइंड होगा, 8 फाइंड होगा. क्लियर दैट? सो स्टूडेंट दैट इज वेरी सिंपल. हमें यहाँ पर भी यही प्रोसेस करनी है. हमें ऐसा नंबर फाइंड करना है कि हमें इस नंबर से मल्टीप्लाई करने पर 8 1/2 फाइंड हो जाए. सो सॉल्यूशन करते हैं हम. पहले तो हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. सो 4 1/4 इज इक्वल टू 4 4 जा 60 प्लस 1 70. सो 17/4 एंड हमें क्या आंसर में चाहिए, 1 8 1/2 आंसर चाहिए जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे. सो इसे भी हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं. 8 2 जा 16 प्लस 1 17/2. क्लियर दैट? आप देखिए यहाँ पर हम सपोज करते हैं, सपोज एक्स. ओके, जो कुछ जो नंबर हमें फाइंड करना है वो क्या है, एक्स है. सो एक्स मल्टीप्लाई बाय 4 1/4 की वैल्यू कितनी होगी, 17/4 इज इक्वल टू 17/2 ये फाइंड करना है. सो एक्स इज इक्वल टू 17/2 डिवाइडेड बाय 17/4. क्लियर दैट?
वो कंसेप्ट याद रखिएगा जो हमने नेचुरल नंबर्स में सीखा था, जब हम x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं सो ये वैल्यू इसके डिवाइडेशन में जाएगी, सो डिवाइडेड बाय 17/4। अब हमने कल मीन्स यस्टरडे वीडियो में डिवाइडेशन की प्रोसेस सीखी है, कैसे हम डिवाइड करते हैं फ्रैक्शन नंबर को। सो एक्स इज इक्वल टू 17/2 मल्टीप्लाई बाय 4/17। 4/17 इज रेसिप्रोकल ऑफ 17/4। वी नो दैट कि रेसिप्रोकल 17/4 का रेसिप्रोकल कितना होगा, 4/17 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में। क्लियर दैट? सो स्टूडेंट सॉल्व इट। अब हम इसे यहाँ पर क्रॉस कैंसिल आउट करेंगे, 17 से 17 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 जा 4, सो एक्स इज इक्वल टू 2। सो जो रिक्वायर्ड नंबर है वो कितना है, 2, दैट इज आंसर। क्लियर दैट स्टूडेंट? देखिए कितना इजी है, हमें कैसा नंबर फाइंड करना था जिसमें 4 1/4 में मल्टीप्लाई करने पर 8 1/2 फाइंड हो जाए। सो कंक्लूजन में क्या है, हमने क्या फाइंड किया, डिवाइडेशन की हेल्प से वो नंबर फाइंड किया है जिसको मल्टीप्लाई करने पर हमें ये नंबर फाइंड हो रहा है। क्लियर दैट स्टूडेंट? वी फॉरवर्ड टेक नेक्स्ट एग्जांपल। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 9 3/4 इफ वन ऑफ देम इज 3 1/4, फाइंड द अदर नंबर। हमें दो नंबर्स का प्रोडक्ट फाइंड है 9 3/4 एंड वन ऑफ देम इज 3 1/4, वन नंबर इज है 3 1/4 एंड सेकेंड नंबर जो है वो फाइंड करना है। मीन्स इसे हम मैथमेटिक्स में कैसे लिख सकते हैं, सो देखिए कोई भी दो नंबर्स है, फर्स्ट नंबर है, वन नंबर कितना है 3 1/4 एंड प्रोडक्ट, ठीक है, मल्टीप्लाई। सो सेकेंड नंबर वी सपोज दैट एक्स, इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट कितना है 9 3/4, ठीक है। इस स्टेटमेंट को हमने मैथमेटिकली में इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, वन नंबर एंड सेकेंड नंबर का प्रोडक्ट है 9 3/4। सो हमें दिया गया है फर्स्ट नंबर, वन नंबर इज गिवन दैट वन नंबर इज इक्वल टू 3 1/4 मिक्स फ्रैक्शन है, ओके, इसे चेंज करते हैं, 4 3 जा 12 + 1 13/4 एंड प्रोडक्ट कितना गिवन है हमें 9 3/4 मीन्स 9 4 जा 36 37 38 39/4 ये गिवन है हमें वन नंबर एंड देयर प्रोडक्ट। सो सेकेंड नंबर अदर नंबर हमें फाइंड करना है, अदर नंबर हमें फाइंड करना है। क्लियर दैट? सो स्टूडेंट देखिए अभी इस एक्सप्रेशन को हम यहाँ पर नोट डाउन कर रहे हैं, वन नंबर है हमारे पास 13/4 एंड मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर हमें फाइंड करना है जो कि हमने x माना है, ओके, इज इक्वल टू प्रोडक्ट कितना है 39/4। क्लियर दैट स्टूडेंट? दैट इज वेरी सिंपल एंड वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत ध्यान से देखिए हमें क्या दिया गया है, प्रोडक्ट दिया गया है दो नंबर्स का, इसमें से वन नंबर तो हमें गिवन है बट सेकेंड नंबर हमें फाइंड करना है, ओके, एंड प्रोडक्ट इज दिस वन, ओके। सो हमने एक स्टेटमेंट बनाया जिसमें फर्स्ट नंबर है, देन अदर नंबर हमें फाइंड करना है जिसको हमने x माना है, देन इज इक्वल टू प्रोडक्ट इज 39/4। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, सो हमें जो फाइंड करना है उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, देन x इज इक्वल टू 39/4। 13/4 को हम डिवाइडेशन में, जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ये वैल्यू जा रही है मल्टीप्लाई में, सो डिवाइड में चेंज हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है, सो 13/4। क्लियर दैट? x इज इक्वल टू 39/4 डिवाइडेड बाय 13/4। जब डिवाइड डिवीजन हम सीख रहे थे यस्टरडे वीडियो में डिवाइडेशन करना है, सो हमने क्या किया था, जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं उसका रेसिप्रोकल फाइंड करके मल्टीप्लाई करना है। सो 39/4 यहाँ भी हम वही प्रोसेस करेंगे,
मल्टीप्लाई करेंगे किस नंबर से, इसके रेसिप्रोकल से, मींस 4/13 से. ओके, देन सॉल्व इट. 4 1 जा 4 एंड 4 1 जा 4 कैंसिल आउट. 13 1 जा 13 एंड 13 3 जा 39. सो एक्स इज इक्वल टू 3. दैट इज आंसर. दैट इज वेरी सिंपल, है ना स्टूडेंट. सो क्वेश्चंस को केयरफुली रीड करना है, देन हमें क्वेश्चन में डिसाइड तभी कर पाएंगे कि इस क्वेश्चन में एक्चुअली में हमें कौन सा ऑपरेशन सॉल्व कर, कौन से ऑपरेशन के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व करना है. क्लियर डेट. सो प्रोडक्ट हमें दिया था 9 3/4 एंड 1 नंबर दिया था. देन सेकेंड नंबर हमें फाइंड करना था. सो दिस इज प्रोसेस, मीन्स 13/4 मल्टीप्लाई बाई एक्स. सपोज दैट सेकेंड नंबर एक्स है, एक्स इज इक्वल टू 13/4 इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड में यदि लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई की कोई वैल्यू इस साइड जाती है सो वो डिवाइडेशन में कन्वर्ट हो जाती है. सो 39/4 डिवाइडेड बाई 13/4. देन इसकी प्रोसेस हमें फाइन पता है कि हमें इसको कैसे सॉल्व करना है. डिवाइडेशन को हम मल्टीप्लाई में चेंज करके एंड रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं. क्लियर इट. सो सॉल्व इट, दैट इज आंसर. स्टूडेंट योर होमवर्क इज एक्सरसाइज 6.6 में इसी तरह से प्रॉब्लम्स गिवन है. सो उन प्रॉब्लम्स को केयरफुली रीड करके आपको उन्हें सॉल्व करना है. मेथड्स यही यूज़ होगी. सो स्टूडेंट इनकी प्रैक्टिस कीजिए. नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे. थैंक यू.